गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आदि अनादि काल से गंगोत्री से रावल द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश लेकर जाया जाता है। मंगलवार शाम गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज कलश को लेकर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए रावल साहब की हमारी परंपरा है, प्रत्येक वर्ष वहां से गंगोत्री से मां गंगा जल को लेकर के पंचायती अखाड़ा से निरंजनी में आते हैं। यहां चरण पादुका पर उनका पूजन होता है और फिर यहां से जाते हैं पशुपतिनाथ 30 तारीख यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहाँ पे महादेव को पशुपतिनाथ को गंगा जल चढ़ता है। ये परंपरा है, उसी का पालन किया गया है। आज निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी की चरण पादुका मंदिर पर कलश का विधिवत पूजन किया गया। आज रावल द्वारा मुरादाबाद से होते हुए 30 तारीख को पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का गंगोत्री के जल से अभिषेक किया जाएगा। आज का ये जो है, ये क्योंकि हमने इस बार जो है मनसा देवी की ओर से जो है हमने जो है वहाँ गंगोत्री में जो भी सेवा हमने दी है, इसलिए जो आज हमने यहाँ से शुरुआत। विगत वर्ष जिस दिन कपाट खुले थे महाराज श्री जी के द्वारा, उस दिन भी यहाँ पे स्वागत किया गया था। और ये परंपरा आज की नहीं है, युगों पुरानी परंपरा है कि जब कपाट खुलने के लिए जाते थे तो यही अखाड़ा परिषद उसका स्वागत करता था। बीच में अनायासी ये परंपरा नहीं रही, महाराज जी ने पुनः इसको दोबारा से स्मरण किया। इससे हम मेरे ही मन में नहीं अपितु पूरे गंगोत्री समाज बड़ा हर्षो और उल्लास के साथ बड़ा प्रसन्नचित है। और आगे भी हम यह परंपरा निरंतर चलती रही, ऐसी महाराज जी से, मां मनसा से, मां भगवती गंगा से कामना करते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद वहां से कलश में जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।